हेलो गाइस, आज हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल और नॉन एक्सियल पोजीशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसका डायग्राम समझना होता है, क्योंकि इसी डायग्राम को देखकर ही हम आगे अपना डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं। जब हमें ये समझ में आ जाता है तो हम आराम से अपना डेरिवेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में हमने एक्सियल पोजीशन पर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली थी, फॉर्मूला निकाला था। अब हम निकालेंगे नॉन एक्सियल पोजीशन पे। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो समझना है। तो यहाँ पे हमें दो चार्जेस लेने हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि डायपोल में होते हैं, और इन्हें जो सेपरेट करती है डिस्टेंस वो है 2L, इतना हमें पता है। एंड हमें कोई भी पॉइंट P मान लेना है, वहाँ पे हमने एक्सियल पोजीशन पे मान दिया क्योंकि हमें एक्सियल पोजीशन पे निकालना था। यहाँ पे हमें नॉन एक्सियल पोजीशन पे निकालना है, इसलिए हम एक्सियल पे ना लेके एक नॉन एक्सियल पोजीशन पर पॉइंट P लेंगे जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से R है, इतना हमें समझ में आ गया। इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है वो निकालना है, एंड पॉजिटिव चार्ज कितना इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है वो निकालना है। सबसे पहले हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव और जो हमारा पॉइंट पी होता है वहाँ पर टेस्ट चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। तो पॉइंट पी पर नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी, क्योंकि वो इसको अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ये पॉजिटिव है। एंड जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो इसे रिपेल करेगा और इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन इसके टुवर्ड्स होगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका ओरिजिन है, और इन्हें ये सेपरेट करिए 2L से, तो ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंस L, ये हो जाएगा L। अब हमने किसी भी नॉन एक्सियल पोजीशन पे एक पॉइंट मान लिया P, और इसे हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज़ R, ओरिजिन से इस पॉइंट P। तो अब हम यहाँ पर जब देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन है वो इसके टुवर्ड्स होगी बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इसे अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो ये से टुवर्ड्स अपनी तरफ खींचेगा, एंड जो हमारी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज दिस। तो ये जो दो कंपोनेंट है इनकी वजह से यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट जनरेट होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है उसका कंपोनेंट कुछ इस तरह से आएगा, जो कि जो ये कंपोनेंट होगा इस एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग ही हमारे कंपोनेंट बनते हैं, तो दैट इज़ एक्स एक्सिस एंड दैट इज़ वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा बनेगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के हमारे कॉस बनता है एंड वाई एक्सिस के हमारे अलोंग साइन बनता है। तो उसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का भी कॉम्पोनेंट बनेगा विच इज़ एक्स एक्सिस के अलोंग एंड वाई एक्सिस के अलोंग, दैट इज़ ई प्लस क्यू साइन थीटा, एंड ये इसी के अलॉन्ग बनेगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो हमें देखना है कि ये दो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कॉस थीटा हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, बट साइन थीटा हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे। वही चीज़ हमारी यहाँ पर लिखी गई है, वही चीज़ हमें यहाँ पर लिखी है, एंड आगे हमने थ्योरी में भी वही चीज़ लिखी है। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2L, जो कि हमें पहले से पता है डायपोल के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। अगला हमारा है, लेट P एन इक्विटेरियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल एज शोन इन द फिगर। हमने एक पॉइंट P ले लिया जो कि ओरिजिन से R डिस्टेंस पर है, वो भी एक इक्विटोरियल पोजिशन पर, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ टू बी डिटरमाइंड। ओके, अब हमें यहाँ पे ए से पी की जो डिस्टेंस है वही इक्वल होगी पी से बी की डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, तो हमें वो निकालनी है। तो वो हम यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक ट्रैंगल ले लेंगे, ये वाला ट्रैंगल ले लेते हैं, दैट इज़ पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये पी ओ की हमारी वैल्यू है आर एंड ए ओ की वैल्यू हमारी एल है, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके हमारी पी ए आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एल स्क्वायर, जो कि है हमारा पी बी। जितनी इसकी डिस्टेंस होगी वही इसकी डिस्टेंस भी होगी, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, और सेम यहाँ पर भी हमारी वैल्यू आ गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इतना हमें समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना आया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉइंट पी, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, विच इज प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है, जो कि आर हमें यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली हुई है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट एंड दैट इज स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो दैट इज़ क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये कहाँ से आया है, हमने पिछली वीडियो में भी देखा हुआ है एक्सेल पे, मैंने वहाँ पे भी बताया था, जो कि हमारे एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है वो के इज इक्वल टू क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है, और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, हमने 12th में भी ये पढ़ा हुआ है। तो वही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे के क्यू आर, यहाँ पे हमारा क्या है, हमने आर अभी यहाँ पे वैल्यू निकाली है आर स्क्वायर पर एल स्क्वायर यहाँ पे हमारा आर है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आगे देखते हैं, तो दैट इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन, एंड सिमिलरली हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लिए भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन पॉइंट पी। तो वो भी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर एंड कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस दैट इज सेकेंड। सो इससे आगे हम देखते हैं, हमने हमारी ये सेकंड इक्वेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन पॉइंट पी, दैट इज़ अवर सेकंड इक्वेशन। इसके आगे हम थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, जो कि हमने फिगर में देखा था कि यहाँ पे हमारे दो कंपोनेंट बनते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसकी जो डायरेक्शन आई थी हमारी, उसके बाद हमारे दो कंपोनेंट बनते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने थ्योरी के फॉर्म में लिखी है, सिंस इन फिगर द फैक्टर एंड कॉम्पोनेंट ऑफ ई पॉजिटिव इज ई पॉजिटिव साइन थीटा एंड ई पॉजिटिव कॉस थीटा, ई पॉजिटिव के हमारे दो कॉम्पोनेंट बनते हैं एंड सिमिलरली ई नेगेटिव के भी हमारे दो कॉम्पोनेंट बनते हैं, दैट इज़ ई माइनस क्यू साइन थीटा एंड ई माइनस क्यू कॉस थीटा, बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ई प्लस क्यू कॉस थीटा एंड ई माइनस क्यू कॉस थीटा कैंसिल ईच अदर, सो ई माइनस क्यू कॉस थीटा एंड ई प्लस क्यू कॉस थीटा एड टुगेदर इन गिव रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। वही चीज़ हमने यहाँ पे करी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं एंड ये जो दो हैं ये आपस में ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ से हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हम इससे आगे करेंगे सॉल्व इसको, हम यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे एंड दैट इज़ ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, यहाँ पे हमारी वैल्यू हमने इक्वेशन में इक्वेशन टू के फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस सेम वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इन्हें ऐड कर देंगे, सो कॉस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2q ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो टोल जाएगा एंड इसकी वैल्यू हमने वैसे ही लिखी। अब हमें यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे फिगर में से देख लेंगे कॉस थीटा की वैल्यू, हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एल ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसके आगे हम देखेंगे इस इक्वेशन में आगे हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे एल ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमें पता है कि डायपोल मोमेंट पी इज़ इक्वल टू क्यू इंटू टू एल होता है,
ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे एल है और टू है क्यू है, एल टू एल भी है एंड क्यू भी है, तो इस वैल्यू की जगह पे हम यहाँ पे पी रख देंगे। तो इज इक्वल टू वन ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे पी ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे जो हमने अंदर इनटू करा इसे, तो दैट इज़ वन बाई टू एंड दैट इज़ वन विच इज़ थ्री बाई टू। ओके, हम यहाँ पे लिख देंगे वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल थ्री बाई टू। हम यहाँ पे एक अज्यूम करते हैं, इफ़ आर इज़ मच ग्रेटर देन एल, तो एल की वैल्यू हम जीरो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं हमारा फिगर है, यहाँ पे जो आर है जो पॉइंट होगा वो हमने खाली सिर्फ अज्यूम किया हुआ है कि आर इतनी दूरी पर यहाँ पे है, बट एल बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बहुत ही छोटा अमाउंट है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, तो इसलिए वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर आर स्क्वायर ओवर थ्री बाई टू, ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा एंड हमारा फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगी ई इज़ इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर आर क्यू, दैट इज़ द इक्वेशन एंड दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर नॉन एक्सियल पोजिशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन एक्सियल पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, दैट इज़ द फॉर्मूला एंड दैट इज़ द होल डेरिवेशन। एक बार और देख लेते हैं, सो दैट इज़ द डायग्राम एंड यहाँ पर हमने फिगर से देखा कि क्या क्या यहाँ पे हमारे कॉम्पोनेंट है एंड देन लास्ट में हमारा ये इक्वेशन आ गया। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।